तो रोहित शर्मा की भयंकर बेइज्जती, हार्दिक पांड्या होंगे मुंबई इंडियंस के नए कप्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो फाइनली मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को अपना नया कप्तान घोषित कर दिया है और रोहित शर्मा की कप्तानी से छुट्टी कर दी गई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर सभी फैंस भड़क गए हैं और मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर रहे हैं और ट्विटर पर #ShameOnMumbaiIndians का #टैग भी कल ट्रेंड कर रहा था। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कैसे धोखा दिया है ये आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटंस से ट्रेड कर लाई थी, जिसके बाद इस बात की चर्चा चल रही थी कि मुंबई इंडियंस का कप्तान कौन होगा, क्या हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे या फिर रोहित शर्मा कप्तान होंगे। उसके बाद यह खबर निकल के आई थी कि रोहित शर्मा ही कप्तान होंगे, हार्दिक पांड्या एज अ वाइस कैप्टन खेलेंगे, जिसके बाद जसप्रीत बुमराह भी खासे नाराज हो गए थे। उन्होंने एक स्टोरी भी लगाई थी साइलेंस वाली, जिसको लेकर भी काफी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी, लेकिन बाद में जो है वो स्टोरी आपके जसप्रीत बुमराह ने डिलीट कर दी थी। लेकिन अब दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने यह ऐलान कर दिया है कि हार्दिक पांड्या ही उनके आईपीएल 2024 में कप्तान होंगे। और दोस्तों, यहां पर आपको बता दूं कि 12 तारीख को ट्रेड खत्म हो चुका है, यानी कि अब ट्रेड नहीं कर सकती है कोई भी टीम। 12 तारीख को ट्रेड खत्म हुआ, जैसे ही ट्रेड खत्म हुआ उसके बाद 15 तारीख को यह ऐलान कर दिया मुंबई इंडियंस की तरफ से कि उनके नए जो कप्तान है वो हार्दिक पांड्या होंगे। और अब जो है वो यहां से रोहित शर्मा को मजबूरन मुंबई इंडियंस से ही खेलना पड़ेगा, और अगर उनके 2-3 मुकाबले अच्छे नहीं जाते हैं शुरू में तो उनको प्लेइंग 11 से ड्रॉप भी किया जा सकता है, क्योंकि पहले वो एज अ कैप्टन खेलते थे तो एज अ कैप्टन तो वो ड्रॉप हो नहीं सकते थे, लेकिन क्योंकि अब हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान होंगे तो रोहित शर्मा जो मतलब शुरुआत में अगर उनके अच्छे मुकाबले नहीं गए, रन उनके बल्ले से नहीं आए तो वो ड्रॉप भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दोस्तों समस्या यही है, सोचने वाली बात यही है कि रोहित शर्मा ने साल 2023 यानी कि वनडे वर्ल्ड कप में इतनी धमाकेदार परफॉर्मेंस की, इतनी अच्छी कप्तानी की, लगातार बैक टू बैक 10 के 10 मुकाबले जीते और 594 रन जड़े और सेकेंड हाई स्कोरर रन थे वो, और टीम इंडिया के लिए उन्होंने सब कुछ झोंक दिया। हालांकि वो वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने जो मेहनत की है वो बहुत ही ज्यादा थी, काबिले तारीफ थी। लेकिन उसके बावजूद यहां पर हार्दिक पांड्या को ट्रेड कर लाई मुंबई इंडियंस, और उसी समय ये डील जब हुई थी हार्दिक और मुंबई इंडियंस के बीच में, तभी ये तय हो गया होगा कि हार्दिक पांड्या ही कप्तान रहने वाले हैं, क्योंकि वहां से वो कप्तानी छोड़कर आ रहे थे तो वो यहां पर तो कप्तान रहने वाले ही हैं, तो उसी वक्त ये तय हो गया था। लेकिन उस समय जो ये जो बात थी वो दबा के रखी गई और ट्रेड के ठीक 3 दिन बाद यानी कि 12 तारीख को ट्रेड खत्म हुआ। अब जो है मतलब रोहित के पास ये समय नहीं है कि वो किसी के पास जाएं और ऑक्शन में जाएं या फिर किसी और की टीम के पास चले जाएं, ऐसा वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ट्रेड जो है वो खत्म हो चुका है। अब जो ट्रेड में जा नहीं सकते हैं, और उसके ठीक 3 दिन बाद यानी कि 15 तारीख को कल जो है ये ऐलान कर दिया गया है मुंबई इंडियंस की तरफ से कि हार्दिक पांड्या उनके नए कप्तान होंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से धोखा दिया गया है यहाँ पर रोहित शर्मा को, और बहुत बड़ा धोखा है। उनको भी काफ़ी शॉक लगा होगा कि भाई ये ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ। और रोहित शर्मा वो कैप्टन है जिन्होंने 5-5 मतलब ट्रॉफी जिताई है 2013 से 2023 तक, 10 साल में 5 ट्रॉफी जिताना कभी भी किसी भी कप्तान के लिए आसान नहीं होता है। 2013 में जीते, 2015 में जीते, 2017 में जीते, 19 में जीते, 20 में जीते, और ऐसा नहीं था कि बहुत लंबा अरसा हो गया था ट्रॉफी नहीं जीती थी मुंबई इंडियंस, 2020 में जीती थी, अभी 3 साल ही हुई थी कि ट्रॉफी नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने रोहित शर्मा को टाटा बाय बाय कर दिया है कप्तानी से। अब देखें कि चेन्नई सुपर किंग और RCB अपने मतलब चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो गए हों, चाहे वो आपकी विराट कोहली हो गए हों, कितने लॉयल्टी उनके प्रति उनकी टीम की है जो उन्होंने अभी तक उनको रिलीज नहीं किया है, लगातार रिटेन करते हैं और टीम में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया है आपके रोहित शर्मा के पास। तो आपको क्या लगता है कि दोस्तों, रोहित शर्मा को रिलीज मतलब कप्तानी से हटाकर कितनी बड़ी गलती की है मुंबई इंडियंस ने, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।